जय हिंद प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और आज का टेस्ट पेपर भी आपने अच्छे से किया होगा। तो मैं संजीव हटिया आज आपको डिस्कस करूंगा हमारा FST पेपर नंबर 8th और फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले हमारे सिंह सर का एक मिशन, एक स्लोगन, आप पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस पे हम लोग इसी मिशन के तहत पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी लिखा है अमंग द क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने, अमंग द गिवन कंपाउंड्स वन विच कैन रिएक्ट बाय अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन डिफरेंट जगह में यूज़ किया जाता है, जैसे क्लोराइड के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, एज ए टॉलेंट रीजेंट टेस्ट हम लोग एल्डिहाइड की टोन्स में यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड के टेस्ट में काम आता है, कीटोन के टेस्ट के में काम नहीं आता है, टॉलरेंस रीजन टेस्ट। और दूसरा हमारा तीसरा है एसिडिक एच को भी टेस्ट करने के काम में ये आता है। अगर किसी भी सब्सटेंस के पास एसिडिक एच है तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए एथेन के पास एसिडिक एच है नहीं, और हमारा डाई एथाइल ईथर के पास एसिडिक एच है नहीं, एथाइलीन के पास है नहीं, हाँ सर एसिटिलीन के पास है। तो अगर एसिटिलीन में ये रिएक्शन आपकी चल रही है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आपको यहाँ पर सिल्वर एसिटालाइड मिल जाएगा, सिल्वर एसिटालाइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। दैट मीन्स ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4th हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 52 की, टॉलिन का Br2 से रिएक्शन कराना है। चलिए सर ये हमने टॉलिन ले लिया है और इसमें हम लोग ने रिएक्ट कराना है Br2 से। तो जब हम लोग Br2 से रिएक्ट कराएंगे, और अब देख लेते हैं एरो पे क्या दिया, किसकी प्रेजेंस में दिया, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में दिया। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अब मुझे पता है कि ब्रोमिनेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और इसमें सर हमारा ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा, और हम देखते हैं कि ये आगे हमको क्या पूछ रहा है। अब ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव वो कह रहे हैं नबाउ रिएक्शन दैट ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव खुद ही बना के दे रहा, ऑर्थो ब्रोमोटॉलिन पैरा ब्रोमोटॉलिन खुद ही बना के दे रहा। पूछ रहा है कि अटैकिंग स्पीसीज क्या है। तो अटैकिंग स्पीसीज के लिए मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, तो मैकेनिज्म में आप देखेंगे इसमें मैकेनिज्म में सबसे पहले आपका जो Br2 है सर, वो AlCl3 लुईस एसिड के कांटेक्ट में आता है, और जब लुईस एसिड कांटेक्ट में आएगा तो लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इस Br के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट कर लेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट कर लेगा, जिससे ये Br बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे सर हमें Br+ मिलेगा, और जो Br- है वो AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा। इसका मीन्स है जो हमारे पास अटैकिंग स्पीसीज आ जाएगी या जो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा सर, वो होगा Br+। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Br+। अब Br+ जाके बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या टॉलिन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, और ये यहाँ पर या यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। इस तरह से जो हमारी अटैकिंग स्पीसीज है वो है ब्रोमीनियम आयन। देखो ब्रोमीन आयन लिखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि कैट आयन है, तो कैट आयन में आप सब जानते होंगे EM लगाने का फैशन है, जैसे कि NO+ है तो नाम होगा नाइट्रोसोनियम आयन, और अगर NO2 है तो नाइट्रोनियम EM लगेगा, H3O+ है तो हाइड्रोनियम, अब Br है तो ब्रोमीनियम, इसलिए ब्रोमीनियम आयन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 53।
दो हमारे पास स्टेटमेंट है, एटॉमिक नंबर ऑफ एम्प्टी इज 110। ये तो गलत हो गया, 110 किसका होता है सोच के बताओ, डैर्म स्टेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 110। मीटरनियम का क्या होता है, मीटरनियम का एटॉमिक नंबर 109 होता है। तो भैया फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब कह रहा है सिंबल ऑफ कोपरनीशियम सीपी है, तो सिंबल ऑफ कोपरनीशियम सीएन होता है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है, स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, तो बताइए क्या हो जाना चाहिए इसमें। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग इसमें जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 54 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द रीजेंट यूज फॉर टेस्टिंग अमोनिया, अमोनिया का टेस्ट किससे करते हैं, सब बच्चे जानते होंगे नेस्लर रीजेंट से करते हैं, बाकी सब भी देख लेते हैं। बेयर रीजेंट क्या है, तो बेयर रीजेंट KMnO4 का अल्कलाइन मिक्सचर है, अल्कलाइन कोल्ड 1% अल्कलाइन KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है वो बेयर रीजेंट होता है, और बेयर रीजेंट बच्चा टेस्ट करने के काम में आता है अनसेचुरेशन का। अगर अनसेचुरेशन है तो बेयर रीजेंट रिएक्शन होगी, अगर अनसेचुरेशन नहीं है तो बेयर रीजेंट रिएक्शन नहीं होगी, यानी अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो पर्पल कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। ये बेयर रीजेंट टेस्ट जो है वो अनसेचुरेशन के टेस्ट के काम में आता है। तो वो तो सर यहाँ पे अमोनिया की टेस्टिंग मांग रहा है, नेस्लर रीजेंट अल्कलाइन K2HgI4 प्लस KOH, इसको नेस्लर रीजेंट कहते हैं। और अगर किसी भी सॉल्यूशन में अमोनियम आयन प्रेजेंट है या अमोनिया प्रेजेंट है तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट K2HgI4 और KOH के साथ आ जाएगा, और वो जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है आपको मालूम है उसका नाम होता है आयोडाइडा मिलन बेस। तो इस तरह से मेरा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नेस्लर रीजेंट आपने पढ़ा होगा। फेंटोन रीजेंट FeSO4 प्लस H2O2 होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको हम लोग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और मॉलिश रीजेंट कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में यूज़ होता है, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में यूज होता है। और ये बीटा नेफ्थॉल और H2SO4 का मिक्सचर होता है, जब ये कार्बोहाइड्रेट में मिला जाता है तो वायलेट ग्रीन कलर की रिंग आ जाएगी, या वायलेट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो समझ जाना कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55, डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब डायपोल मोमेंट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन डेबी, ये भी सही है भाई, 1 डेबी इक्वल टू 3.33 × 10⁻³⁰ ये देखो धोखा दे दिया एग्जामिनर ने हमको, पेपर सेटर यहाँ पे हमको धोखा दे गया। ये वैल्यू 3.33 × 10⁻³⁰ होनी चाहिए थी कूलाम मीटर, लेकिन इन्होंने प्लस 30 कर दी। बहुत सारे बच्चे तो जल्दबाजी में इसको -30 देख गए होंगे, तो हो सकता उन्होंने इसको सही मान लिया हो, लेकिन ये स्टेटमेंट वाला गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट सही, स्टेटमेंट सेकंड गलत, ढूंढ के बताओ कौन सा ऐसा होगा, यानी कि सेकंड। तो क्या सेकंड ऑप्शन के साथ जाना सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 55 का चेक करके बताइए क्या सेकंड ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 55 का सेकंड ऑप्शन क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखिएगा, हाउ आर सी आर एच टू होल सिक्स सी एल थ्री सी आर सी एल एच टू होल फाइव, एक वाटर बाहर चला गया और दो वाटर बाहर चले गए। जब भी ये ध्यान कर लो, ट्रिक मान लो या कॉन्सेप्ट मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बच्चा पार्टी वाटर भी है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स पेयर के अंदर हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स पेयर के बाहर हो, तो वो हाइड्रेटेड आइसोमेरिन शो करते हैं। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल होता है, उन्हें हाइड्रेटेड आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड आइसोमर्स। तो सर यहाँ पे हाइड्रेटेड आइसोमर ऑप्शन होना चाहिए, लिंकेज नहीं होगा, आयनाइजेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर देखो कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें दो बड़े ब्रैकेट हैं, क्या है? दो बड़े ब्रैकेट हैं, तो दो बड़े वाले ब्रैकेट अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाओ, पूछे कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बस भैया वो करेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उस समय, अगर ये दो बड़े ब्रैकेट आ जाए। अगर एक बड़ा ब्रैकेट हो और इसके बाहर कोई आयन लिखा हो एक्स वाई जेड और अंदर भी कोई आयन लिखा हो वाई, तो एक्स अंदर वाई बाहर जाने की संभावना है, तो उस समय आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। लिंकेज आइसोमर कब होता है? अगर कंपाउंड में सी एन है, अगर कंपाउंड में एन ओ टू है, अगर कंपाउंड में एन सी एन एस है, अगर कंपाउंड में सी एन एस है, सी एन एस, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर ये तीन हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म लग जाएगी। अब अगर वाटर है तो हाइड्रेटेड लगेगी, इसलिए 56 का फर्स्ट हो गया। 57, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्युमिनेट, ये देखो क्या होता है, लिथियम प्लस होता है और ये एल्युमिनियम पे तीन एच लगे होते हैं, एल्युमिनियम तीन बॉन्ड बनाते ही है, जानते ही हुआ, और इसमें एक एच माइनस होता जो इस एल्युमिनियम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता। ये एच माइनस का जो माइनस है सर, वो हमने अब भाई हमें नहीं पता इस एच पे, हम हो सकता है इस एच पे, हो सकता है इस एच पे, हो सकता है इस एच पे हो, तो हमने इसको ऐसे माइनस लिख दिया। अब ये है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, टेट्राहाइड्राइड, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्युमिनियम एल्युमिनेट, तो हाइड्रो एल्युमिनेट लिख दिया, दैट मीन्स ये एच है, हाइड्रो वाटर नहीं, एल्युमिनेट हो गया, ए एल पे माइनस आ रहा, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब वो कह रहा है कि इसमें लीगेंड कौन है, तो जब इसको एज ए लीगेंड यूज़ करते हैं, तो एज ए लीगेंड यूज़ करने पे ये हमको एच माइनस दे देता और एच माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं अब, क्वेश्चन नंबर 58, बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 58। अगर मुझे D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, तो जो ये सर D है ये दो तरह का होगा, एक DX स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर और एक DZ स्क्वायर, ढूंढो भाई कहाँ है फर्स्ट ऑप्शन में DX स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का फर्स्ट ऑप्शन हमने सही कर दिया। IUPAC नेम लिखने को आया है, चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, CO प्लस अमोनिया की जीरो, नाइट्रो पे माइनस वन, Cl का 2 × −1 इक्वल टू जीरो। हालांकि कुछ बच्चे प्लस थ्री समझ गए, आप लोग तो इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन मेरा काम है सॉल्व करके दिखाना, तो मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर CO इक्वल टू आ जाएगा −1 −2 −3 उधर गया, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे प्लस थ्री है, यहाँ प्लस टू है, प्लस टू वाले तो हो नहीं सकते, ये दो हो सकते हैं। अब मुझे क्या मिल गया, 5 amine लिखने हैं और एक नाइट्रो या नाइट्राइटो लिखना है। अब ऑब्वियस बात है कि एमाइन का ए पहले आता है, नाइट्राइटो का एन बाद में आता है, तो बाबू पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे पेंटा और उसके बाद लिखोगे एमाइन, पेंटा एमाइन।
तो पेंटा एमाइन हमारा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये हो नहीं सकता था क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर टू है। यहाँ नाइट्राइटो पहले लिख दिया, तो देखो यहीं से डिसाइड हो गया ऑप्शन नंबर फोर सही होगा। अब आगे पूरा लिखना चाहते हो तो लिख लो, नाइट्रो एक है, इसको नाइट्रो भी बोल सकते हो, इसको नाइट्राइटो भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बस सिंबल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले एन लिखा तो सिंबल डोनर का जो सिंबल होगा वो एन होगा। तो पेंटा एमाइन लिख दिया नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और आगे लिख दिया एन, एन डोनर है तो ये एन आ गया। कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट के साथ थर्ड हो जाएगा और फिर क्लोराइड हो जाएगा। सिंपल सा नेम था, आप आराम से कर सकते थे, सिंपल है लेकिन आपको एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मुझे ये रिएक्शन दी गई है 2A प्लस 3B, 2A प्लस 3B दिस गिव्स प्रोडक्ट। अब इसके लिए पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख लूँ। रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन क्या होगा, देखो ये 2 है तो माइनस 1/2 dA/dt, माइनस 1/2 dA/dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये 3 है तो 1/3 dB/dt। अब आप लोग ने ये देख लिया है कि ये हमने रिलेशन निकाल लिया, अब मुझे तो रिलेशन निकालना है डिसअपीयरेंस ऑफ ए और बी में। अच्छा, केवल dA/dt क्या होता है, केवल dA/dt क्या होता है, तो आप कहेंगे सर केवल dA/dt मीन्स होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या दी गई है, R1 दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अब माइनस माइनस कट कर दो तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और यहाँ पर लिख देंगे R1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। फिर ये dB/dt रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है। देखो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है उनसे डिवाइड करते हो, और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख रहे हो, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट या रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होगा, लॉस होगा, तो उसको बोल देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, गेन होगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट वैसे नाम ले लोगे, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब बाबू देख लो क्या दिया, बी के लिए R2 दिया हुआ, तो ये R2 लगा लिया। इसका मीन्स है कि अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3R1 इक्वल टू 2R2 आ जाएगा, 3R1 इक्वल टू 2R2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन दिया, सिंपली आपने निकाल लिया। अच्छा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लेना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे कर लो, ऐसे समझ लो, यहां से बता देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जितनी कम होगी फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब और ये भी समझ लेना, अगर इसको और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी एफ में, डेल्टा टी एफ में। डेल्टा टी एफ क्या है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये बच्चा मेरे डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के या कंसंट्रेशन के और इनटू वांट ऑफ फैक्टर के। अब ग्लूकोज है तो वांट ऑफ फैक्टर तो सब में सेम होगा, तो ये आ गया मोलैरिटी, और मोलैरिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसका परसेंटेज स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिसका परसेंटेज स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये सिंपल रिलेशन है, अब सबका अलग अलग सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे देख सकते हो।
तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ 10% का सबसे ज़्यादा, उससे कम 3%, उससे कम 2%, उससे कम 1%, तो मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, कई बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं, गलती वो ये कर देते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और फ्रीजिंग पॉइंट को सेम बात मान लेते हैं, तो गलती हो जाती है। अगर यहाँ वो मुझसे पूछा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो फिर इसका उल्टा हो जाता, तब फिर क्या हो जाता, फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता, जितना मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जितना परसेंटेज स्ट्रेंथ ज़्यादा, उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चलना पड़ेगा, जितना कंसंट्रेशन कम, परसेंटेज स्ट्रेंथ कम, उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा भाई, रिएक्शन कराना, वाटर बनाना, तो चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन कर ली हमने, ले लिया H2, हमने ले लिया O2, इससे बनाया वाटर। यहाँ पर 2H है, यहाँ पे 2H है, यहाँ एक O है, तो यहाँ पे हाफ़ कर लेते हैं, यहाँ हाफ़ कर लिया। अब हाफ कर लिया सर, तो ये 10 ग्राम को जरा मोल में बदल लो, 10 अपॉन मोलर मास 2 होगा, यानी कि ये 5 मोल आ जाएगा, हाइड्रोजन का 5 मोल दिया। और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 64 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, ऑक्सीजन मतलब O2, O2 का मॉलिकुलर वेट होगा 32, गलती से 16 मत समझ लेना, तो 32, तो 32 दैट मीन्स आ गया 2 मोल। अब इसमें लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग सर हमारा O2 है, लिमिटिंग हमारा O2 है, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग ये इस मोल को अगर इस नंबर से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ इस नंबर से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। या ये भी कह सकते हो कि हाफ मोल 1 मोल H2 से रिएक्ट करता है, तो 2 मोल इसके डबल 4 मोल से रिएक्शन करेगा, तो इसका 2 मोल इसके 4 मोल से रिएक्शन करेगा, और सर यहाँ पर 4 मोल वाटर बनाएगा, 4 मोल वाटर बनाएगा। हाफ मोल वाटर देता है 1 हाफ मोल सॉरी O2 देता है 1 मोल वाटर, ऐसे भी ले सकते हो, 0.5 मोल O2 दे रहा है 1 मोल H2O, तो सर 2 मोल O2 देगा 1/0.5 × 2, दैट मीन्स 4 मोल H2O। इस तरह से बच्चे मेरे आप बना सकते हो आंसर नंबर 3। तो 62 का मैच कर लेना भाई, आपको जो सोल्यूशन लिस्ट दी गई है क्या उसमें हमारा 3 आ रहा है 62 का, तो 62 का 3। अच्छा, मैच द फॉलोइंग आ गया भाई, रटने वाला है, NCERT में दिया हुआ है, आपने हो सकता है कि इसको ना देखा हो। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये तो क्लियर है भाई, हमारा फर्स्ट होगा ये, गेलुसक ने गैसियस वॉल्यूम का लॉ दिया था, और लेवोसियर ने दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, और डाल्टन ने क्या दिया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन, 3rd मल्टीपल प्रोपोर्शन, और प्राउस सर ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो ये 4। तो मैच करिए कौन सा मिला, ऑप्शन ए का 4 फर्स्ट में है सेकंड में है, बी का थर्ड दोनों में है फर्स्ट सेकंड में, सी का सेकंड, तो ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा, डी का 1, तो 63 का सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा, अपनी आंसर लिस्ट से मैच करिएगा। तो ये हमने कर दिया सेकंड ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, NCERT 11th पार्ट 1st का चैप्टर नंबर 1st में सारी डिटेल दी हुई है। चलिए साहब, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, CaF2 का एक सोल्यूशन है, उसका KSP ये दिया गया है, और जब इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए हैं तो किसके मिलाने में प्रेसिपिटेशन होगा। अब इसका रूल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कभी जितने आयंस मिलाए गए हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन का
जो प्रोडक्ट है मल्टीपल प्रोडक्ट जिसे आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, अगर वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब एक बात और ध्यान से बच्चा बाटी सुन लेना, और वो ये कि देखो ये 10^-10 है। अब अगर मैं कहूँ 10^-10 से क्या ज़्यादा होगा, तो तुमको ये जानना होगा कि अगर मेरा मल्टीपल 10^-11 आया तो वो ज़्यादा नहीं, वो कम है। तो अगर 10^-10 है मेरा KSP और इनको मल्टीप्लाई करके अगर 10^-11 आ गया, 10^-12 आ गया, वो कम होगा आयनिक प्रोडक्ट, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई इनको करने पे 10^-9 आ गया, 10^-8 आ गया, तो समझ जाइए सर प्रेसिपिटेशन निश्चित है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं और ऑप्शन वाइज चेक करना होता है। तो आपको दिखाऊंगा कैसे करना होगा। ये देखो CaF2 लिया, ये आयनाइज हुआ Ca2+ में और 2F- में। तो जो हम इसका आयनिक प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं वो होगा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और जो F- आयन की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2, जो F- की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2। तो अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम लोग पहले जज करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए आयनिक प्रोडक्ट क्या आएगा, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन 10^-3 थी मिलाने के पहले, और जब हमने इक्वल वॉल्यूम इनके मिलाए तो वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो इसलिए 10^-3 रखने से काम नहीं चलेगा, 10^-3/2 करना पड़ेगा, और 10^-5/2, 10^-5/2 पावर 2 है। अभी देखो 5 और 5 10 और माइनस 3 10^-13 तो ऐसे ही आ रहा, और जब तुम 8 से डिवाइड करोगे तो और कम हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे 10^-10 से ज़्यादा चाहिए, यानी -9 चाहिए, -8 चाहिए। ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है 10^-13, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन भी ऐसे चेक कर लो, 10^-5 × 10^-3 × 10^-3/8। तो 8 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये 10^-11 के अप्रॉक्स आ रहा है, बल्कि इससे छोटा ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले में चलते हैं, 10^-2 कैल्शियम का और 10^-3 × 10^-3 और अपॉन 8, ये 2 × 2 × 2 = 8 हो गया ना, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 10^-6 × 10^-2 = 8। तो 1/8 × 10^-8, या ऐसा कर लो 10/8 × 10^-9, या लगभग 1.1 × 10^-9। तो बच्चा पार्टी इसका जो फाई है वो KSP से ज़्यादा है, KSP से ज़्यादा आयनिक प्रोडक्ट अगर हो जाए तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इसका मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए सही आंसर, मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 65, NO2 और N2O4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है और मुझे सर करना है हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ डायमेराइजेशन। NO2 लिया, इसका डायमेराइजेशन किया 2 मोल के साथ तो N2O4 बन गया। अब N2O4 जब बन गया तो इसका डेल्टा एच हमें निकालना है, तो डेल्टा एच देखिए सर, डेल्टा एच इक्वल टू होगा टोटल
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट चलो सर वैल्यू रखने का समय आया, वैल्यू रखने का समय आया, या पहले हम लोग इसको इसके अकॉर्डिंग लिख ले रहे हैं। हमें लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मल्टीप्लाई बाय टू। वैल्यू रखिए सर, वैल्यू रखिए, आप ही बताइए N2O4 का क्या दिया है। NO2 पहले, N2O4 बाद में, 8 और 2, तो ये दिया गया है 2 माइनस NO2 का कितना दिया गया है 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 2 माइनस 16, दैट मीन्स माइनस 14। चेक करिए सर माइनस 14 कोई ऑप्शन है, फोर्थ है, तो फोर्थ मेरे हिसाब से आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन सर केमेनोफोर से कराई जा रही है। चलिए ये बनेगा Mn2+ में बदलेगा, और ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये बदलेगा सर हमारा O2 में। ये पता हो या फिर वैलेंसी फैक्टर पता हो, जो भी तुम्हें पता हो उससे काम बन जाएगा। तो ये O2 में बदलेगा। अब ये हम लोग इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते हैं सर। देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं, माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो चेंज कितने का आया 1 का, 1 ऑक्सीजन के लिए, 2 ऑक्सीजन के लिए चेंज कितने का आया 2 का। यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वैलेंसी फैक्टर चेंज कितने का आया 5 का। अब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, तो हम लोग लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगने जा रहा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 का मुझे 2 ग्राम दिया गया, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा W/E, और यहाँ मुझे KMnO4 की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो रखें वैल्यूज रख दें। 2 ग्राम लिया गया था लेकिन वो प्योरिटी 25% ही थी उसकी 2 ग्राम में, तो 2 ग्राम में जब 25% प्योरिटी थी तो ऐसे लिखेंगे 2 × 25/100 अपॉन वैलेंस। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, H2O2 का मोलर मास 34 होता है अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी मुझे निकालनी है, वॉल्यूम में KMnO4 का कितना यूज़ हुआ है 25 ml, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 25/1000 क्या कहते हो, ये हो गया 0.25, और 0.25 2 से मल्टीप्लाई किया, 100 से 0.25 और 2 से मल्टीप्लाई किया 0.5 आ गया, तो ये आ गया 0.5, और ये 25 का इसमें 40 बार चला जाएगा, तो इनटू हो गया 40 अपॉन 17 इक्वल टू नॉर्मेलिटी, यानी 20/17, तो 20/17 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 1.17 मुझे तो यही लग रहा, ऑप्शन देख के निकाल लो, 1.17 N नॉर्मेलिटी आनी चाहिए KMnO4 की। मिलाइएगा ऑप्शन 66 का क्या आ रहा, मुझे तो लग रहा फर्स्ट आएगा 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, 0.01 मोलर अमोनियम फॉर्मेट, भैया अमोनियम फॉर्मेट तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है
वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आपको पता है अमोनियम से हमारा जो बेस है वो NH4OH हो जाएगा, जो वीक बेस है, और फॉर्मेट से हमारे पास जो एसिड है वो SCOH आ जाएगा। यानी जब SCOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी तो अमोनियम फॉर्मेट बनेगा। अब अमोनियम फॉर्मेट वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। अब इसके लिए मुझे दिया गया H1, इसके लिए दिया गया है H2, और ये 0.1 मोलर दिया है, ये 0.001 मोलर दिया। लेकिन आप लोग जानते हो कि वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लो, pH निकाल लो, या फिर जो है KH निकाल लो, उनमें मोलैरिटी या कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्योंकि मोलैरिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है तो H1 और H2 को बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो अमोनियम फॉर्मेट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो फिक्स होगी, वो डिपेंड नहीं करेगी मोलैरिटी पे, वो डिपेंड करेगी के डब्ल्यू पे और के एच पर। तो के डब्ल्यू और के एच फिक्स होंगे इसके। विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन के लिए कौन रिएक्टिव है जिसमें जितना एक्टिवेटर ग्रुप लगा होगा, तो ये सर टॉलीन है। और तो क्या होगा, टॉलीन ज़्यादा होगा, ऐसे बना लेते हैं। देखो जो रेट ऑफ एक्टिवेशन है वो सबसे कम होगी क्लोरोबेंजीन की, क्योंकि क्लोरोबेंजीन एक तरह से बेंजीन का डीएक्टिवेटर है। फिर आएगा बेंजीन, फिर आएगा टॉलीन, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्लस एच इफेक्ट डालेगा और एक्टिवेटर बनाएगा। और सबसे बेस्ट होगा फिनॉल, सबसे बेस्ट होगा फिनॉल। ये है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो ब्रोमिनेशन भी कहलाएगी, ब्रोमिनेशन उसी का पार्ट है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पूछा है तो फिर मुझे फिनॉल करना होगा 68 का। कन्वर्जन ऑफ एसीटोफिनॉन बना लेते हैं सर, ये हमने एसीटोफिनॉन बना लिया, ये एसीटोफिनॉन बना लिया, और इसकी हम लोग इसको हम लोग बदलना चाह रहे हैं बेंजोइक एसिड में। तो इससे हम लोग बदलना चाह रहे हैं बेंजोइक एसिड में। तो अब बेंजोइक एसिड में कैसे बदलें, हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हाइड्राजीन से भी कोई नहीं होता है, एल्कलाइन आयोडीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाँ तो ये हो सकता है, ये हमारा हो जाएगा आयडो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये देखो, जब I2 और हम लोग I2 और ले लेते हैं NaOH, तो जब I2 और NaOH लेंगे तो ये वाला बॉन्ड बीच से ब्रेक कर दो आप, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये वाला जो CH है ये CH I3 में बदल जाएगा, ये सर CH I3 में बदल जाएगा। और ये जो CO है, ये CO के साथ O-Na+ आ जाता है। ये सिंपली आप आयोडो फॉर्म रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, इससे हम लोग कहेंगे ये हमारा सोडियम बेंजोएट बन गया। अब सोडियम बेंजोएट को हम लोग कर लेते हैं हाइड्रोलाइज। तो जब हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज करने पर ये यहाँ से हाइड्रोलिसिस में यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ ओ एच आ जाएगा, और मुझे मिल जाएगा C6H5COOH और NaOH, ये बन गया सर, यही मुझे चाहिए था। तो ये अल्कलाइन आयोडीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि आयडो फॉर्म रिएक्शन हो रही है, आयडो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान दीजिएगा, एथिल फॉर्मेट
एथिल फॉर्मेट बना लो भाई, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव। ठीक है सर, एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो ये एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एक टाइप है, और इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेज में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, सेकेंड स्टेज में हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक तुम्हें बता दे रहा हूँ, देखो ये ईस्टर है, और ईस्टर की रिएक्शन जब भी कभी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से करनी हो तो एक ट्रिक होती है कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप होता है वो इस वाले कार्बन पे, यानी कि जो फॉर ईस्टर है, जो फॉर्मेट है, उस पर दो बार अटैक कराते हैं, दो बार अटैक कराते हैं। और ये जो ओ एच है, इसको ओ एच में, ये जो ओ है इसको ओ एच में बदल देते हैं, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चा पार्टी, वो ये बन जाएगा एच सी, और यहाँ पर आ जाएगा ओ एच, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी एच, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा पी एच, दो बार पी एच जोड़ दिया एच सी पर, और ये हमने सी टू एच फाइव ओ एच निकाल दिया, सी टू एच फाइव ओ एच इसको हटा दिया। अब ये दो बार हमने फेनिल जोड़ दिया, तो दो बार फेनिल जोड़ दिया, तो डाई फेनिल, और ये मान लो कि यहाँ पर पहले एच एच था, होता अगर एच एच, तो ये क्या होता, मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल, और मेथेनॉल के दो एच हटा के फेनिल लगा दिए, तो ये क्या बन गया, डाई फेनिल मेथेनॉल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा 70 का, चेक करिएगा। एक कन्वर्जन और बहुत सिंपल कन्वर्जन है, जब हम लोग ने एनलीन लिया, ये एनलीन था हमारे पास, और इस एनलीन की रिएक्शन हमने डाइजोनियम सॉल्ट से कराई, मतलब डाइजोटाइजेशन कराया, तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, ये हमारा ए है। अब हमने फर्दर रिएक्शन कराई, और अब हमने HBF4 के साथ हीट किया, तो आपको तो पता है अभी इसमें क्या होगा, N2 निकल जाएगा, और ये हमारा BF3 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और यहाँ पर आके F जुड़ जाएगा, ये आपने याद किया होगा एमीन चैप्टर में, यानी कि फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और ये हमारा B है। तो मिलाइए सर AB को, AB को मिलाइए, तो A ये है, B ये है, लेकिन देख लो भाई, बी पहले पूछा ए बाद में पूछा, ट्विस्ट हो जाएगा, एग्जामिनर ने चाल चल दी, तो पहले बी यानी फ्लोरोबेंजीन, और बाद में ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि फोर्थ, फोर्थ होना चाहिए ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी सिक्स एच फाइव एन टू सी एल, ये एक ही चीज़ है, वो हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया, वो फॉर्मूला फॉर्म में, तो एक ही चीज़ है। तो इस तरह से 71 का आंसर भैया मैच कर लो, मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए, अगर ये ए पहले और बी बाद में दिया होता तो हम लोग फर्स्ट वाले के साथ खेल जाते, लेकिन इन्होंने सर पहले उल्टा काम कर दिया, पहले बी और बाद में ए दे दिया, तो मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए, आंसर मैच करिएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, इसको ओपन करके बना लेते हैं ज़रा, देखो ये सी सिक्स एच फाइव है, और इसके साथ एक सी एच टू जुड़ा है, अब भाई साहब सी एच टू के आगे एक सी एच जुड़ा है, और इस सी एच पे एक ओ एच है, और यहाँ पर सी एच है, और इस पे दो सी एच थ्री है, दो सी एच थ्री, ओके सर। अब इस पे कंसंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर की रिएक्शन हो रही है, तो कंसंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर एच प्लस देगा, H प्लस इस वाटर पे अटैक करेगा, H3O प्लस बन जाएगा, जिससे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस पे प्लस आने लगेगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, तो इस पे प्लस आने लगेगा, अब प्लस आने लगेगा, अब भाई तुमने तो डिहाइड्रेशन में पढ़ा है,
सेटजेफ रूल लगाते हैं, तो सेटजेफ रूल के हिसाब से अगर इसका एच निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इसका एच निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। लेकिन अगर सेटजेफ रूल ये है कि जिसके पास कम एच होते हैं वहाँ से एच रिलीज करा जाता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल स्टेप हो जाएगा और वो होगा माइग्रेशन ऑफ एच माइनस आयन, या फिर इसको हम कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। अगर यहां से एच चले और यहां पर जाए तो बच्चा पार्टी ये प्लस हो जाएगा और ये बेंजिल कार्बोकैटायन बन जाएगा जो इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है। इस समय सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं सर यहां से क्या मूव नहीं करा सकते हैं, यहां से मूव कराओगे तो ये यहां पर आ जाएगा और यहां पे प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस टर्शियरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। अब वैसे नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन बेंजल से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जब इस तरह की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला ही हाइड्राइड मूव करता, तो ये फाइनली हमको C6H5CH2, ये कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन मोस्टली जो किताबों में दिया है वो हाइड्राइड शिफ्ट होगी इस तरफ से, जिससे कि ये बेंजल कार्बोकैटायन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मोर स्टेबल मानेंगे। और ये CH2 बन जाएगा CH CH3 CH3, ये बेंजल कार्बोकैटायन पहले बन गया स्टेबिलिटी के लिए। अब क्या होगा, ये बगल वाला H टूट जाएगा इसको ऐसे लिख ले रहा है, तो अब ये H प्लस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ऐसे जिससे यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जो हमारा फाइनली डबल बॉन्ड आके बनेगा प्रोडक्ट वो ये हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। तो जो मेरे पास पॉसिबल है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो सेकंड होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए 72 का। इस तरीके से बनाएंगे, ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने एक्सप्लेन कर दी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस तरफ से मूवमेंट हो रहा है, क्या सेटजेफ रूल लग रहा था, क्या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लग रही थी, सब बातें मैंने आपसे डिस्कस की। 73 देखिए, ऑक्सैलिक एसिड बहुत आसान है, ये सर देखिए मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड है, ले लीजिए ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड हम लोगों ने ले लिया। और जब हम लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड लिया तो इसमें से हम लोग ने कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन के द्वारा वाटर निकालना चाहा, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 आप जानते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये वाटर निकलवाएगा। हम लोग ने सोचा था वाटर निकल जाएगा बस और कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वाटर निकलने के साथ साथ यहाँ पर CO भी निकल जाता है और जिससे ये CO2 बच जाता है, तो CO मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। 74% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीट इन 25 मिनट, व्हाट विल बी द 87.5% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आए जिसमें कि एक कोई परसेंटेज रिएक्ट करा के उसका टाइम पीरियड देगा और दूसरा अननोन परसेंटेज का टाइम पीरियड पूछेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब सेम रिएक्शन है तो सेम रिएक्शन में रेट कांस्टेंट तो कॉमन मतलब सेम होगा, तो हम लोग ने ये मान लिया कि K1 बराबर K2 है, ये K मीन्स रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा 2.303 upon T log R0 upon R, यहाँ पे भी आ जाएगा 2.303 T। अब ये मान लो T1 है ये T2 है और फिर log
आर नॉट अपॉन आर, आर क्या बची हुई क्वांटिटी है। तो सर टी 2.303 को तो पहले कैंसिल कर दो, 2.303 को पहले कैंसिल कर दिया। 1/T1 मान लो ये 25 मिनट मान लो, तो 1/25 मिनट लॉग। अब ये आर नॉट जो है, आर नॉट 10% की बात कर रहा, तो मान रहे कि शुरू में 100 मोल लिए थे रिएक्टेंट के और 10% कंप्लीट हो चुकी है, तो 10% रिएक्शन चल चुकी, तो बची कितनी 90%। 100 में से 10% जा चुका है, यहाँ बची हुई मात्रा रखी जाती है। 1/T2, T2 निकालना, 2.3 कैंसिल हो गया, लॉग आर नॉट फिर से वही परसेंटेज में 100 शुरू में लिया था और अब कह रहा है व्हेन विल 87.5% द रिएक्शन कंप्लीटेड, यानी 87.5 चल चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे लॉग ऑफ तो आप खुद ही इतने सामर्थ्यवान कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 100 है, ये 90 होगा और 0 0 काट दो तो 10 और 9 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, 1/25 लॉग 10 माइनस जो 9 है उसको हम लोग ने ऐसे कर लिया, इसको पहले ऐसे कर ले रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो जाए, लॉग 10/9 कर लिया और ये हम लोग ने 1/T2 लॉग 100/12.5 कर दिया। अब कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करने में ये तो 8 टाइम्स आ गया, 8 का लॉग इजीली ले सकते हो, और ये चाहो तो 5/3 कर लो, 100/9 और 5/3 तो हो नहीं सकता, तो 10/9 ही रखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, देखो 25 यहाँ ले जाओ, T2 यहाँ ले जाओ, तो T2 और इससे लिख लेंगे log 10, log 10 1 होता है, माइनस log 9, log 9 3, 3 जा 9, तो 2 log 3, ये सॉल्व होके ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, ये वाला 25 ऊपर चला जाएगा, 25 और log 8, तो log 8 को log 2^3 लिख लीजिए। अब बाकी भैया सॉल्व कर लेना, तो ये आपको जो T2 है वो 493.43 मिनट मिल जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। सिंप्लीफाइड मैंने कर दिया, सब आप लॉग की वैल्यू ले सकते थे। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट का आ गया, ये अब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो ये तो भैया बहुत ही महान बेस है, इसका नाम याद रखना ग्वानिडीन, जहां ये आ जाए तो किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये है कौन, NH2C NH2 डबल बॉन्ड NH, इसमें कई डोनर साइट्स हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये जहाँ मिल जाए सबसे ज़्यादा यही होगा, तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। उसके बाद ये जो CH3 है सर, ये हमारा CH3 प्लस H इफेक्ट डाल रहा, प्लस H इफेक्ट डाल रहा, यानी एक्टिवेट कर रहा है, या ये कह देंगे ये यहां पर माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा, इस वजह से इस पे पार्शियल माइनस बढ़ा रहा, तो ये बेस को अच्छा बना रहा, तो फर्स्ट के बाद थर्ड आ जाएगा, दोनों में थर्ड है। अब ये एनलीन है और ये साइनो है, तो ये साइनो तो यहाँ पे सर माइनस आर इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से इधर प्लस पैदा हो रहा है, पार्शियल प्लस एन पे आ रहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा, इसका मीन्स 4 सबसे कम होगा, तो ये ले दे के ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और हमारा ये ग्वानिडीन है, ये GU,
गुआनिडीन। तो ग्वानिडीन का जो हमने बेसिक करेक्टर बताया वो भी समझ गए, और पीछे क्वेश्चन भी, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, और आगे का सर आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 75 तक संजीव सर ने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 76 से बेटा हम स्टार्ट करते हैं। जेल्डाल मेथड का क्वेश्चन है बेटा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का। सिंपल बेटा फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला क्या होता है? 1.4 NV बाई W। NV बेटा क्या होता है? H2SO4 का वो मिली इक्वलेंट जो बेटा अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हुआ। तो देखो बेटा 1.4 मोलैरिटी दी है बेटा, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का क्या होगा? डबल। वॉल्यूम बेटा कितना दिया है? 20। मास बेटा कितना दिया है आपको? 1.5। तो देखो बेटा 20 दूनी 40 दूनी 80, अगर इसको एक मान ले तो लगभग 80 के आसपास, यानी 80 से थोड़ा कम। 76 का बेटा थर्ड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 77 एक्राइलिक एसिड है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, इसका बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? रिडक्शन LiAlH4। तो बेटा LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को प्राइमरी एल्कोहल में बेटा कन्वर्ट कर देता है बिना डबल बॉन्ड को रिड्यूस किए। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, प्रोडक्ट बेटा क्या होगा? एलाइल एल्कोहल। 77 का 4। 78 बेटा देखो ये रटने वाला क्वेश्चन है। CrO4- Cr2O7- में जाता है तो मीडियम बेटा एसिडिक होता है, ठीक। और अगर ये इसके रिवर्स में आता है तो मीडियम बेटा बेसिक होता है। तो देखो बेटा इधर से इधर जाने के लिए एसिडिक, इधर से इधर जाने के लिए बेसिक, आंसर बेटा फर्स्ट। फिर देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर सेम, बिल्कुल सही। क्यों बेटा? ओजोन में क्या होता है? रेजोनेंस। आप सबने पढ़ा होगा जो बॉन्ड बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम। जैसे बेंजीन में हमको लगता है एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ईच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बेटा क्या होती है? सेम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो बॉन्ड रेजोनेटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बेटा क्या होती है? सेम। 79 का बेटा 4। 80 देखिए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू द रिडक्शन, बिल्कुल सही है बेटा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन के कारण होता है, SO2 का बेटा रिडक्शन के कारण, क्योंकि जैसे वाटर के जब नमी के कांटेक्ट में आता है तो बेटा ये H2SO4 बनाता है, और क्या बनाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन प्लस कलर्ड मटेरियल क्या हो जाता है? कलरलेस। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। फिर SO2, SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +4 है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो बेटा ये +6 इंक्रीज भी कर सकता है +6 की ओर, डिक्रीज भी कर सकता है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में नाइदर हाईएस्ट नॉर लोवेस्ट दोनों का काम कर सकता है, बिल्कुल सही। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा किसमें कन्वर्ट होता है? क्रोमियम सल्फेट में। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन, ये भी बिल्कुल सही है। SF6 डज नॉट हाइड्रोलाइज इजिली, ये भी बेटा सही है। तो ABCD चारों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो गया फोर्थ। फिर देखो ये तो रटा हुआ होगा सबको बेटा, ये आपका क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, इसमें बेटा जब वाटर आप डालोगे तो क्या बनेगा? HCRO4, ठीक है ना। फिर इसमें अगर डालोगे तो HMnO4 बन जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड है। ये बेटा आपका बेसिक ऑक्साइड है, ये बेटा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये बेटा आपका एसिडिक ऑक्साइड है। वाटर डालोगे तो क्या बनाएगा? H2SO3, ठीक है ना। तो CrO3 बेटा एसिडिक ऑक्साइड है।
H2CrO4। ये बेटा एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए ये बेसिक, ये न्यूट्रल। तो आंसर बेटा 81 का सेकेंड। 82 बेटा याद करने वाला क्वेश्चन है, लेड स्टोरेज बैटरी को बेटा आप क्या कर रहे हो, चार्जिंग। तो जब बेटा इसको आप चार्जिंग करते हो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेटा गैल्वेनिक सेल से जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो 82 का आंसर सेकेंड याद कर लीजिए। 83 देखो बेटा, लाइट को एब्जॉर्ब कौन, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, जिसके पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो यहाँ बेटा Sc+3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा 3d0 है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें बेटा देखो यहाँ पर Ti+4 है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन बेटा 3d0 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ पर देखो ये 3d3 है, सॉरी Cr+3 है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है, 3d5 4s1। तो यहाँ पर बेटा तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3d3, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Zn बेटा 3d, Zn डबल प्लस है, तो ये बेटा क्या है 3d10। तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आंसर बेटा हो गया थर्ड, 83 का थर्ड। पैरा मैग्नेटिज्म पूछे या लाइट वाला पूछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो HCOF2 ठीक है ना, जीनॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाया, तो देखो दो इधर हो गया, दो इधर चार खर्च हो गया, ये पांच हो गया आपका, ये बेटा छः हो गया आपका। तो बेटा आठ में छः यूज़ किया तो इसके पास एक लोन पेयर। देखो यहाँ बेटा ये चार यूज कर रहा तो दो लोन पेयर, यहाँ देखो छः यूज कर रहा एक लोन पेयर। तो देखो ये कितना हुआ बेटा 1 2 1, 84 का फर्स्ट। फिर पायरोफॉस्फोरस, देखो ये HPO3 है बेटा, HPO3 में +5 होती है, हाइपोफॉस्फोरस H3PO3, H3PO2 होता है, इसमें बेटा देखो आएगी +1। फॉस्फोरस एसिड बेटा H3PO3, इसमें बेटा आएगी +3। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें बेटा क्या आएगा +5। तो आप बेटा क्या ढूंढ रहे हो, +1 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। 85 हाइपोफॉस्फोरस एसिड में +1। अगला देखो बेटा, फॉलोइंग डाटा दी गिवन, देखो बेटा जैसे जैसे प्रेशर बेटा बढ़ रहा है ठीक है ना, हाफ लाइफ देखो बेटा घट रही, देखो और देखो प्रेशर डबल, हाफ लाइफ पहले की आधी, यानी क्लियरली क्या दिख रहा, आप सबको मालूम है अगर हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन n=0 होता है, इंडिपेंडेंट होती है तो बेटा n=1 होता है, इनवर्सली होता है तो बेटा n=, क्या होता है 2 होता है, और अगर बेटा स्क्वायर के इनवर्सली होता है तो n=, बेटा 3 होता है। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा, कंसंट्रेशन डबल, इनिशियल प्रेशर डबल, हाफ लाइफ बेटा आधा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑर्डर बेटा क्या होगा सेकेंड। फिर देखिए मीथेन का कंबस्चन करा, दोनों का बेटा हीट ऑफ कंबस्चन दिया है, देखो डेल्टा एच कंबस्चन ऑफ CH4, देखो यहाँ एक्स दिया लेकिन लेंगे क्या -x, डेल्टा एच कंबस्चन बेटा मेथेनॉल, कंबस्चन एक्सोथर्मिक होता है, -y हो गया ये। अब देखो बेटा डेल्टा एच में कैसे निकालते, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबस्चन दिया हो तो हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ प्रोडक्ट, तो बेटा ये क्या आया -x+y। अब आप सबको मालूम है कंबस्चन बेटा क्या होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए बेटा एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, तो आंसर बेटा सेकेंड। 88 आप सबको मालूम है वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन वाई ए बेटा क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल, पार्शियल वेपर प्रेशर ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन बेटा पी टोटल,
तो आंसर बेटा इसका फोर्थ हो गया। सिमिलरली अगर बेटा वाई भी पूछा होता तो पी बी अपॉन पी टोटल, लेकिन देखना ये राउल्ट्स लॉ नहीं है, डाल्टन्स लॉ है। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पार्शियल अपॉन टोटल, ये जबकि बेटा आपका क्या है राउल्ट्स लॉ है। 89 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो स्टेटमेंट दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही है बेटा। एक्सो इज फेवर्ड बाई लो टेम्परेचर, एंडो इज फेवर्ड बाई हाई टेम्परेचर, तो एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एक्सो में घटता है, दोनों स्टेटमेंट बेटा परफेक्टली करेक्ट। 89 का फोर। फिर देखिए बेटा 90, देखो एक कंडक्टिविटी सेल है, उसका रेजिस्टेंस दिया है, सेल कांस्टेंट दिया है, तो आप सबको मालूम है सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू आर। के देखो बेटा कितना दिया है 1.29, आर बेटा कितना दिया है 100, तो ये आ गया 129 मीटर इनवर्स। अब इन्होंने कहा बेटा उस सॉल्यूशन को हमने उठा के फेंक दिया, नया सॉल्यूशन बनाया, तो नया सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, 129 अपॉन आर बेटा अब कितना है 520, ये बेटा किसमें आ गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखो हमारा फार्मूला बेटा मोलर कंडक्टेंस का क्या होता है, 1000 के अपॉन मोलैरिटी, लेकिन बेटा ये सीजीएस यूनिट का है, जबकि ये बेटा क्या है एमकेएस, तो इसको बेटा आप सीजीएस में कन्वर्ट करो, 129 अपॉन 520, ओम इनवर्स को बेटा एज इट इज रखो, मीटर की जगह बेटा 100 क्या लिख लो सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये ऊपर बेटा ये 129 नीचे 520 ऊपर का 100 इनवर्स बेटा नीचे कितना हो गया 100। अब यहाँ देखो बेटा वैल्यू रखो 1000, के की वैल्यू बेटा 129, मोलैरिटी बेटा कितनी दी है नए वाले की 0.02, ये बेटा 520 हो गया और ये बेटा कितना हो गया 100। देखो ये 100 इसके पॉइंट से कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये 124 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, आंसर बेटा आ जाएगा फर्स्ट। बस इसमें बेटा यूनिट का ख्याल रखना है, हम ये फार्मूला बेटा किसके लिए होता है सीजीएस यूनिट के लिए, और ये डाटा हमको देखो सेल कांस्टेंट किस में मिला एमकेएस में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा किस में मिला एमकेएस में, पहले इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। उसके बाद देखिए, देखो 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन, तो देखो 10 ml हाइड्रोकार्बन से बेटा 40 ml क्या मिल रहा बेटा CO2, तो 10 से कितना 40 तो 1 से 4, यानी बेटा कार्बन के नंबर 4 है। फिर देखो बेटा 10 ml हाइड्रोकार्बन से बेटा वाटर वेपर कितनी मिल रही 50 ml H2O वेपर, तो देखो 1 ml से कितना मिल रहा बेटा 5 ml, इसका मतलब 1 ml से 5 ml मिल रहा मतलब 5 मॉलिक्यूल या 5 मोल वाटर टाइप का बना, ठीक है ना। तो बेटा एक में देखो 5 × H2O यानी बेटा उसमें 10 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। तो बेटा 10 हाइड्रोजन देखो किसमें है फोर्थ में। फिर से देखिए 10 ml से बेटा कितना 50 ml, 1 ml से कितना 5 ml, यानी बेटा 5 ml वाटर वेपर बन रहा, यानी आप ये कह सकते हो कि अगर 1 मोल हाइड्रोकार्बन होता तो बेटा 5 मोल आपका क्या बनता वाटर, यानी 5H2O, यानी H के एटम बेटा कितने होंगे 10। 91 का 4। 92 देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम,
आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी के, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी माइनस, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला, तो बेटा आयनाइजेशन देखो 54.4 है, तो टोटल एनर्जी बेटा कितनी हो गई, -54.4, तो -54.4 इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ कोई वैल्यू दी नहीं है कि किससे, तो बेटा हम लोग एन बराबर क्या ले लेंगे, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से जेड सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा, 2। तो आपका हाइड्रोजन लाइक एटम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, 2। अब ये सेकेंड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी, पहले टोटल एनर्जी निकालो, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, -13.6 जेड बेटा कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन बराबर बेटा कितना, 3, तो ये बेटा 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया -54.4 अपॉन 9, ये बेटा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आया बेटा, टोटल एनर्जी। और आपका बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, माइनस टोटल एनर्जी, तो ये बेटा माइनस और ये वो -6.04, ये हो गया +6.04, आंसर बेटा 4th। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आप सबको मालूम होना चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, 2L+1 होता है बेटा, जैसे L बराबर 0 तो M बराबर बेटा 1, ठीक है ना, एक वैल्यू, यानी M बराबर 0, L बराबर बेटा अगर 1 तो -1 0+1, L बराबर 2 बेटा तो -2 -1 0 1 2, L बराबर 3 बेटा तो -3 -2 -1 0 1 2। तो देखो बेटा कौन सा फार्मूला शो कर रहा था, देखो L बराबर क्या हुआ, L बराबर क्या हुआ, m-1/2, देख लो बेटा कौन सा है, आई थिंक आंसर 93 का सेकेंड, चेक कर लो, 93 इज सेकेंड। फिर देखिए बेटा बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा एनामर्स है, सही है, फ्रक्टोज बेटा जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, मतलब आप टॉलरेंस रिएजेंट और बेटा फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, डजंट मैटर एल्डिहाइड या कीटोन, सुक्रोज बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल सही है, ग्लूकोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, गलत है, माल्टोज सो म्यूटारोटेशन, सही है, माल्टोज भी बेटा रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसका आंसर बेटा क्या हुआ, 3rd इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट, तो 1, 2 and 4, 94 का सेकेंड। 95 कॉन्फिग्रेशन ऑफ काइरल सेंटर एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इन दिस। अब जरा इसको देखो बेटा, ये आपका देखो काइरल है, अब जरा देखो ये बेटा ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8, इसका 1, 2, फिर बेटा ये आपका देखो ये कार्बन कार्बन है लेकिन अगला ऑक्सीजन है, तो ये 3 और ये बेटा 4, तो क्लियरली दिख रहा बेटा लोवेस्ट वाला ग्राउंड पे है, तो जब लोवेस्ट वाला ग्राउंड पे है तो जो आपको बेटा दिखता है वही सही होता। तो देखो घड़ी की डायरेक्शन देखो बेटा, 1, 2, 3 बेटा क्या दिख रहा, क्लॉकवाइज है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आर, ठीक, तो 95 हो गया आर। अब जरा इसको देखो, इस वाले पोजीशन को देखो, इधर बेटा ये हायर एटॉमिक नंबर है 1, तो ये बेटा 2 हो गया, इधर देखो इथाइल है उधर इधर, तो इसको बेटा हम क्या देंगे, 1 नंबर, इसको क्या देंगे, 2 नंबर, तो दोनों हायर ग्रुप एक तरफ है, तो ये बेटा इसका क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, जेड, तो 95 का बेटा 3rd। 96 डायरेक्ट फार्मूला है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, W बेटा किसके बराबर होता है, डेल्टा E के, डेल्टा E बराबर क्या होता है, NCV∆T होता है, आप CV की जगह R अपॉन गामा माइनस 1, डेल्टा T की जगह T2 माइनस T1 बेटा लिख सकते हो, तो आंसर बेटा सेकेंड।
97 एन एरोमेटिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O। देखो 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को रिस्पॉन्स कर रहा, यानी बेटा ये कार्बोनिल कंपाउंड है, मे बी एल्डिहाइड, मे बी कीटोन। टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा तो कार्बोनिल में बेटा ये क्या है, एल्डिहाइड है। अंडर वो कहने जा रहा हूँ रिएक्शन, यानी इसके पास बेटा कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है रिंग से डायरेक्ट अटैच है। विगरियस ऑक्सीडेशन में 1,2-बेंजीन, यानी बेटा जो 1,2-बेंजीन बनना, यानी CHOCH में दूसरा बेटा क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। तो देखो यहाँ 1,3 है, यहाँ 1,4 है, यहाँ देखो ये कीटोन है, ये हो नहीं सकता, ये आपका आंसर हो गया। 98 रिएक्शन ऑफ HBr इन अब्सेंस ऑफ प्रोपीन, तो प्रोपीन की अब्सेंस बेटा HBr क्या लगाओगे, मार्कोनी कॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो ये बेटा आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी बेटा प्रोडक्ट पूछा जाए तो हमेशा हम लोग क्या देते हैं, मेजर प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। 3-ब्रोमो नहीं हो सकता बेटा, 2-ब्रोमो होता तो सही होता। 99 देखो बेटा, दो इलेक्ट्रिक सेल है, एक में निकल नाइट्रेट है, दूसरे में क्रोमियम नाइट्रेट है। एक इलेक्ट्रोड का मास दिया, दूसरे का पूछ रहा, फैराडे सेकेंड लॉ लगा दो, W1/E1 बराबर W2/E2। ये मान लो बेटा निकल है, ये आपका क्रोमियम है, तो देखो बेटा ये कितना है, 0.3। निकल का एटॉमिक वेट बेटा 59, इक्वलेंट वेट बाई 2, क्यों, Ni++ दो इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा किसमें जाएगा, Ni में। W2 बेटा आपको निकालना है, इसका इक्वलेंट वेट क्या होगा, 52/3, क्यों, Cr++ है, Cr++ बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें जाएगा, क्रोमियम में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो 99 का सेकेंड। 100 पे आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट एटम है लेसर आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू सेकेंड। आप सबको मालूम है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज। सेकेंड ग्रुप की बेटा थर्ड से ज़्यादा, फिफ्थ ग्रुप की सिक्स से ज़्यादा। तो देखो बेटा ये आपका सिक्स है, ये फिफ्थ, ये नहीं सही है। फिर बेटा देखो फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा गलत है, लेसर आयनाइजेशन पूछ रहा ना, एक मिनट। तो देखो सल्फर और फास्फोरस बेटा ये दोनों, सल्फर आपका सिक्स ग्रुप का फर्स्ट, तो फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा होगी। तो आपको बेटा पहला पूछ रहा किसमें लेस है, तो यही आपका आंसर है। फ्लोरीन क्लोरीन में बेटा फ्लोरीन की ज़्यादा होती, क्लोरीन की कम होती। नाइट्रोजन कार्बन में बेटा नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, बेरिलियम और बोरान में बेटा बेरिलियम की ज़्यादा होती है। तो फोर्थ में बेरिलियम की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा, फ्लोरीन की ज़्यादा। सल्फर और फास्फोरस बेटा फास्फोरस की ज़्यादा होती है, हमें ढूंढना पहले वाले की कम। तो पहला आंसर 100 का फर्स्ट। तो ये बेटा FLT के 100 क्वेश्चन, सॉरी केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। पहले 25 का बेटा संजीव सर ने किया, बाकी 25 का हमने का। होप है कि आपका बेटा जो भी डाउट छोटे मोटे होंगे इससे क्लियर हो गए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।